पहली बात तो ये समझें कि गुरु का मतलब क्या है। जैसे हम इस संसार में आते हैं तो हमारी माँ पहली गुरु है जो हमें इस संसार से अवगत कराती है, कहती है तेरे पापा है, ये तेरी दादी है, तेरा दादा है, मम्मी बोल। पहली गुरु कौन है? माँ। देन पापा, पापा भी बहुत कुछ सिखाते हैं, फिर टीचर्स। तो जो संसारिक बोध कराते हैं, संसारिक बोध जो कराते हैं, नॉलेज जो देते हैं, वो ये हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं, अध्यात्म में जाना चाहते हैं, तो अध्यात्म जगत में एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो गुरु हमें भगवान से परिचय कराएं, उस मार्ग पर चलने का हमें सुंदर दर्शन कराएं और बताएं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, जरूरत क्या, आवश्यकता क्या है। गुरु के संदर्भ में, और हमारे यहां तो ऐसा कहते हैं कि विदाउट एक सेकंड गमाए हमें गुरु मंत्र लेना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड निकल गए वो लौट के आने वाले नहीं। आप जिस एक एक मैंने कई बार उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को आप ढंग से समझेंगे। एक बच्चे से मिला, उस बच्चे से पूछा तुम्हारी एज क्या है, उसने कहा 3 साल। 3 साल उसकी एज नहीं थी, एज ज्यादा थी, लेकिन उससे पूछा तुम्हारी एज क्या है, बोले 3 साल। ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, 3 साल तो दिखते नहीं, ज्यादा हो। तो उसने कहा वैसे तो मेरी उम्र 23 साल है, पर दीक्षा 3 साल पहले ली है, तो 20 साल मेरी बेकार गई, वो तो किसी काम की ही नहीं, जो खाने कमाने संसार के भरण पोषण में चली गई वो मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन जब से मैंने प्रभु का नाम स्मरण, जब से मैं गुरु की शरण में गया, वो मेरे को 3 साल हुए, इसलिए मेरी जो आयु है वो मात्र 3 साल है और मेरे काम की वो 3 साल है। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग भगवान की बातें ऐसी करते हैं, क्या भगवान हमें, गुरु हमारे जो इनकी बातें हम करते हैं, गुरु हमें भगवान से मिला सकते हैं? कई लोग बड़े वो होते हैं ना सन की टाइप, तो एक सन की चला गया महात्मा जी के पास में, और महात्मा जी के पास में चला गया, बोले एक बात बताओ, तुम भगवान की इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हो, तुमने भगवान को देखा है? कई लोग तो तर्क का अर्थ है, कुतर्क का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन कई लोग कुतर्क करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो मैं जो जानना चाहते हैं कि गुरु क्यों और कितनी जल्दी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप जान लेंगे आज तो। तो उसने कहा कि भाई आप भगवान की इतनी बातें करते हो, आपने भगवान को देखा है? बोले महात्मा जी भी ऐसे ही थे, महात्मा जी तो महात्मा जी, बोले हाँ मैंने देखा है। अरे बोले भगवान को तो कोई देख नहीं सकता, आपने कैसे देखा? बोले हमने तो देखा, तुम कह रहे हो देखा है, मैं तो उनसे एवरीडे बात करता हूँ, वो मेरे सामने रोज आते हैं, हर दिन आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मेरा और उनका लिंक है। बच्चा एक बात बताओ, क्या तुम मुझे अपने भगवान से मिलवा सकते हो? तुम मिलवा सकते हो? बोले हाँ मिलवा सकता हूँ। बोले पूछ भगवान से, मिलवा दो मुझे। बोले ऐसे थोड़ी, तुम किसी व्यक्ति से मिलो, बड़े आदमी से मिलो, तो पहले उस सामने वाले को बताना पड़ता है कि कौन मिलने आ रहा है, किस लिए मिलने आ रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज है, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो कम से कम तुम अपना पता ठिकाना बताओ, मैं भगवान से पूछूंगा, तो मैं भगवान से पूछ लूंगा। बोले ठीक है, मैं कल आके आपसे पूछूंगा। गए, वापस आए, दूसरे दिन टाइम पे पहुंच गया, ऐसे आदमी बड़े फिक्स करते हैं सब, टाइम पे पहुंच गया। बोले हाँ बताओ, तुम्हारे भगवान ने क्या कहा? बोले हाँ मेरे भगवान ने कहा कि मैं मिल लूँगा, पर मुझे उसका एड्रेस चाहिए, कौन है वो। ध्यान से सुनेंगे, जिनके गुरु नहीं हैं और जिनके गुरु हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए, क्योंकि कई लोग गुरु बना भी लेते तो उन्हें पता नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान ने कहा है कि मैं मिल लूंगा, लेकिन उसका पता ठिकाना कौन है, कैसा है, उसका पता करो, मुझे दे दो, फिर बताता हूँ। तो उसने कहा मेरा नाम
कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो रख लो, जो आपका हो अपना। मेरा नाम श्याम लाल है। तो महात्मा जी बोले, श्याम लाल तो तेरे शरीर का नाम है भाई, क्या कितने साल का है? बोले 50 साल का। बोले 50 साल से पहले तेरा नाम श्याम लाल था क्या? और ये शरीर तो तेरा है नहीं, शरीर तो शमशान में जाने वाला है, तू ये बता कि तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम श्याम लाल है। बोले श्याम लाल तो ये तो तेरे शरीर का नाम, तू कौन है? तो उसने इशारा किया ऐसा, नाम तो खारिज हो गया, क्या कहे? बोले उसने इशारा किया अपने शरीर की तरफ में, ये बोले ये तो तेरा शरीर है, ये तो तू है ही नहीं। तू कहता है ये नाक तो ये भी शरीर है, तू कहता है आंख ये भी शरीर है, तू कहता है कान तो शरीर है, नाम तो शरीर का है, तेरा है ही नहीं। तो उसने कहा मैं आत्मा हूं, मैं सोल, आई एम सोल। महात्मा जी मुस्कुराए, एक बात बता बाबरे, उस सोल को देखा है तूने आज तक, उस आत्मा को देखा है? बोले नहीं। पर क्या उसके बिना तेरा अस्तित्व है? बोले नहीं, उसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। बोले जैसे तूने अपनी आत्मा को नहीं देखा लेकिन उसके बिना तू नहीं है, पर तू आत्मा को कभी नहीं देख सकता, पर सच यह है जिस दिन तू अपनी आत्म स्वरूप को जान जाएगा उस दिन परमात्मा भी तुझे निश्चित दिखाई देगा और तू उससे बात कर सकेगा। लेकिन यह ज्ञान कराने के लिए गुरु चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होता है, उनसे पूछो कि तुम्हारी आत्मा है कि नहीं, तुम उसको नहीं देख सकते जो अहर्निश तुम्हारे साथ है, और वो आत्मा ही भगवान की दी हुई है तुम्हें, उस आत्मा का स्वरूप को पहचानो। तो गुरु दीक्षा का मतलब क्या है? बोले जब तक हम अपने जीवन में गुरु धारण न करें, एक एक सेकंड हमारा जो बीत रहा है वो लौट के आने वाला नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम गुरु मंत्र ले भी लें तो हमें क्या मिलेगा? तो गुरु की शरण जाने के बाद में श्रद्धावान लोगों को तो बहुत कुछ मिलता है, और जो वैसे होते ना हमारे ब्रिज में कहते त्रिकटबाज, मतलब ज़्यादा क्रिमची, ज़्यादा थोड़ा माइंड लगाने वाले, खामा खा जबरदस्ती अड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ करने, उन लोगों को क्या मिलेगा आई डोंट नो। लेकिन जो पूर्णतः समर्पित सच्चा गुरु भक्त है उसे वो मिल सकता है जो विश्व में कहीं किसी को नहीं मिल सकता, उसे वो मिलता। क्या मिलता है जरा सुनो एक ध्यान से, एक और दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करें, लेकिन माइंड ओपन करके सुनिएगा, हार्ट थोड़ा क्लोज रखिए चाहे, लेकिन माइंड ओपन रखिए। एक गुरुजी का शिष्य भिक्षा मांगने के लिए शहर में गया, जिस शहर में गया वहां एक तांत्रिक रहते थे, तो उसी मोहल्ले में उसी नगर में गया जहां वो तांत्रिक रहते थे। तो उसने कहा भिक्षाम दे। तो तांत्रिक को लगा ये मेरे यहाँ कौन आ गया, मेरे मोहल्ले में कौन आ गया? तो उसने कहा कि कौन है तू, तुझे पता नहीं यहाँ मैं रहता हूँ, निकल जाए यहाँ से। अब वो गुरु का थोड़ा सच्चा चेला था तो बोले हम भिक्षा मांगने आए हैं, भिक्षा मांग के चले जाएंगे, हमारा काम है भिक्षा मांगना। अरे बोले तुझे भिक्षा की पड़ी, चलो यहाँ से, तुझे पता नहीं है कि यहाँ मेरे मोहल्ले में मेरे सिवा कोई और नहीं आता। अच्छा मोहल्ले के लोग जानते थे तांत्रिक बड़ा पहुंचा हुआ है, वाकई अच्छा अच्छा तंत्र करता है। तो उसने कहा हम भिक्षा मांगेंगे चले जाएंगे। बोले अभी जा, कोई भिक्षा नहीं होगी यहाँ से। और चेला भी गुरुजी पे विश्वास रखने वाला था, बोले मैं तो नहीं जाऊँगा, भिक्षा मांग के जाऊँगा। तो तांत्रिक ने कह दिया आज रात को तेरी मौत होगी, जा आज रात को मर जाएगा तू। अच्छा गली मोहल्ले वाले कहे ये तांत्रिक बहुत पहुंचा हुआ, मार ही देगा ये तो, ऐसा तंत्र करता है। और वो बेचारे बड़े शर्म, उनको भय लगा, हाय कितना बेचारा बच्चा कितना अच्छा है, और इसको वैसे ही जबरदस्ती आज रात को मरना पड़ेगा। वो भी बेचारा, उसको कुछ मिला तो नहीं, क्योंकि दे कौन, मांगने वाले को मार सकता है तो देने वाले को नहीं। तो वो डर गए, किसी ने भिक्षा नहीं दी, और वो बेचारा डर के मारे वापस ही वॉज रिटर्न। गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने मुस्कुराते पूछा ले आए भिक्षा, भिक्षा ले आए? और जैसे पतो के कल में आज रात को ही मर जाऊंगा, मुंह लटका के गुरुजी ले आए भिक्षा, मौत ले आए मौत।
बोले क्या मतलब? बोले वहाँ एक तांत्रिक मिल गया, उसने कहा आज रात को तुम मर जाओगे। बोले तो आज रात तक तो है ना, मुंह क्यों लटका रखा है? अरे आज रात तक तो है, घबरा क्यों रहा है? किसी को तो ये भी नहीं पता चलता कब मरना है। कोरोना में उम्मीद रखते हैं हम बचेंगे, लड़के निकल आएंगे, घर वालों को बताते ही नहीं पैसा कहाँ रखा है, किसी को नहीं बताते। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि हम लौट आएंगे, और पता चले कि लौट गए, किसी कुछ बताया नहीं, गोविंदा नमो नमा हो गया, अब तो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई। तो उन्होंने कहा गुरुजी तेरे पास कम से कम तुझे पता तो है कि रात तक जिंदा रहेगा, मुंह क्यों लटकाता है, भगवान का भजन कर। बोले ठीक है, अब भजन लगेगा अच्छा, मम्मी याद आएगी, पापा याद आएंगे, गुरुजी के पास रह रहा था, बहन याद आएगी, भैया याद आएंगे, सब याद आएंगे कि नहीं, उनके साथ रहता था आज मर जाऊंगा, जो भी था। तो गुरु देखा शाम हो गई, तो जो और भिक्षा लेके आए थे संत जी ने कहा भोजन कर ले। अब भोजन भी ना करे काम अच्छा लगेगा, भोजन आज रात को मरना है, भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा उसे। कुल मिला के उसने भोजन नहीं किया। फिर गुरु जी आए उसकी झोंपड़ी में, बोले इधर आ। बोले क्या? बोले मेरे संग चल, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, एक काम करना। बोले क्या? बोले जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरे पैरों को छोड़ के उठ के मत आ जाइयो कहीं, जब मैं कहूं तभी उठना, अब मरना तो है ही, कम से कम आज गुरुजी की चरण सेवा ही करके मर जा। अच्छा आजकल का चेला होता तो क्या कहता, ईमानदारी से बताओ। अभी हम जैसे तुम जैसे चेला होते तो ईमानदारी से बताओ क्या करता। उस बेचारे ने रोटी है का कर दो। बोले तुम्हें अपनी पड़ रही है, तुम्हें पावन के दर्द की पड़ रही है, मेरे संबंधों इकट्ठो इंतजाम है, हैं? यही कहता ना। पर नहीं, उसने कहा, उसने सोचा कि माँ बाप से तो मिलना है ही नहीं और रात्रि का समय आज आखिरी है, चलो गुरु जी की सेवा करके ही मरते हैं। गुरु जी ने एक बात कही, चाहे जो हो जाए जब तक मैं ना कहूं उठना मत, चाहे जो हो जाए। बोले ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी टांग दुपट्टा सो गए और चेला रात भर पाम दबाता रहा। तो तांत्रिक ने पहला प्रयोग किया क्या, उसने एक राक्षसी बनाकर भेजी और राक्षसी गुरुजी के द्वार के बाहर आकर खड़ी हो गई और वो राक्षसी इशारा कर रही, इधर आ इधर आ इधर आ, नहीं आया। बड़ी भयानक थी, बोले बाहर आ, नहीं आया। गुरुजी ने कहा कि तुझे चरण सेवा करनी है, तो वो सेवा करता रहा। पहला प्रहर का पहला प्रयोग बेकार गया उसका, उसे वापस जाना पड़ा। दूसरे पहर में दूसरा प्रयोग किया, एक काक का गोला टाइप कुछ भेजा, तो भी वो गुरुजी के चरण दबाता रहा, बाहर नहीं निकला और वो भीतर नहीं आया। तीसरा प्रयोग किया, यमराज के दूत सरी के आए कि हम तुझे लेने आए चल, लेकिन वो अपने गुरुजी की सेवा में चरण सेवा में मस्त था, उसे जाने की फुर्सत ही कहां थी, लगा रहा अपने गुरुजी की सेवा में। तीसरा पहर भी चला गया। चौथे पहर में तांत्रिक ने एक दूसरा प्रयोग किया, उसकी मां को भेजा। वो कह रही है बेटा तू तो अपने गुरु के साथ रहता है, आजा मेरे गले लग जा। मां खड़ी है बाहर, आ बेटा। उसने वहीं से प्रणाम किया लेकिन चरण दबाता रहा। गुरुजी ने कहा पैर छोड़ के मत जाना, तो मैं पैर तो नहीं छोड़ने वाला हूं, बाकी मैं गुरुजी जग जाएंगे उसके बाद मैं मां से मिलूंगा, गुरुजी की आज्ञा लेके मरूंगा, गुरुजी आज्ञा जब दे देंगे तो मिल लूंगा। कुल मिला के चरण सेवा करते रहे, चौथा पहर भी निकल गया। सुबह सूर्य उदय से पूर्व गुरुदेव जगे। गुरुजी ने कहा रात भर तू सेवा ही करता रहा। बोले गुरुजी आप ही नहीं तो कहा था चरण छोड़ के मत जाना।
तो गुरु जी बोले तू जिंदा आया भी, तू तो रात में मरने वाला था ना, तो अचानक से उसे घटना याद हुई, रात भर हुआ क्या था। तो जब उसे याद आया तब पता चला कि गुरु जी ने चरण पकड़ने के लिए क्यों कहा था, क्यों कहा था कि चरण छोड़ के मत जाना। निश्चित बात यही है, जो अपने गुरु के चरण पकड़ के बैठा रहता है, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यमराज के दूतों को भी वापस जाना पड़ता है। रोने लगा वो शिष्य, गुरु जी मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे इसलिए चरण की सेवा दी, उससे पहले कभी चरण नहीं दबाए। ये याद रखिए, आप अगर अपने गुरु के चरणों में सच्चा विश्वास रखते हैं तो अंत तो गत्वा मौत को भी परास्त होकर आपके यहां से जाना पड़ता है। जो सच्चा शिष्य होता है वहां तंत्र मंत्र यंत्र कोई काम नहीं करता, वहां सिर्फ गुरु का मंत्र ही काम करता है। इसलिए पहली बात तो यह है कि अपने जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। अगर तुम आज 25 साल के हो तो तुम्हारी 25 साल खराब हैं, कल जब दीक्षा ले लोगे तो उसके बाद की जो आयु है वही आपके काम की है। क्योंकि कहते हैं जब तक सदगुरु कृपा करे दीक्षा न ले तब तक का जीवन जीवन नहीं कहलाता। इसलिए विदाउट एनी सेकेंड वेस्ट आपको सबसे पहले दीक्षा लेनी चाहिए। ये उनके लिए उत्तर है जो पूछ रहे थे कि हमारे गुरु नहीं हम क्या करें। उनको मेरी सलाह है कि आप उनसे कहीं भी जाके जिनमें आपकी श्रद्धा हो पहले सबसे पहला काम दीक्षा लें।